अपने पूरे परिवार के साथ मतदान के लिए जाते हुए गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री जब पहुंचे हुए थे 7:35 पर, तब उन्होंने वोट डाला और उसके बाद बाकायदा पैदल जाते हुए लोगों से मतदान की अपील की। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अपने पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह मतदान के लिए जाते हुए। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके बेटे हैं, बेटे की पत्नी भी आपको दिखाई दे रही है, गृह मंत्री अमित शाह की वाइफ भी साथ में है और भी तमाम नेता हैं आगे की ओर बढ़ते हुए मतदान के लिए जाते हुए हिमांशु। और बहुत जरूरी हो जाता है जब बड़े नेताओं की इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तब बाकी लोग जो अपने घरों में हैं वो भी मतदान करने के लिए बाहर निकलेंगे। हिमांशु देखिए बिल्कुल चित्रा, क्योंकि बड़े नेता जब मतदान करने के लिए आते हैं और तो वो कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर देते हैं कि आप बाहर आइए, अपने मतदान का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यही आपका एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी सरकार के खिलाफ या पक्ष में वोट कर सकता है। देश के भविष्य को सुनहरा बनाने का इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता। आपको देश की सत्ता किसके हाथों में सौंपनी है ये फैसला जनता के हाथ में होता है और जनता ये फैसला तब करती है जब वो अपने मतदान का प्रयोग करती है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ थे। अब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मतदान करने आए हैं अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ और अपनी पुत्र वधू के साथ जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और मतदान करने के बाद जो है अमित शाह मीडिया से भी मुखातिब होंगे और ये जो मंदिर है कामेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे दर्शन करने के बाद जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है कि तीसरी बार जो है यहाँ से 26 में से 26 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएं और उसके जीत का मार्जिन जो है 5 लाख से ज्यादा का हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद जो है वो एक बार फिर से यहाँ पर जो है लोग चुनावी मैदान में है, लेकिन देखना यह है कि उनका जो जीत का अंतर है वो पहले से ज्यादा होगा या कम, ये तो 4 तारीख को पता चल जाएगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन इतना जरूर है जो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है वो ये दावा किया जा रहा है कि देश के गृह मंत्री का जो जीत का अंतर है वो पिछली बार से बहुत अधिक होने वाला है। यानी कि गांधीनगर सीट से वो पिछली बार 5 लाख मतों से चुनाव जीते थे तो इस बार ज्यादा मतों से वो चुनाव जीतेंगे। उनका टारगेट है कि 7 लाख से ज्यादा मतों से जो है वो चुनाव जीता जाए। लेकिन अमित शाह का ये कहना है कि उनके लिए पूरे देश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लौट रही हूँ हिमांशु, यहाँ पर मुलाकात करते हुए तमाम जो लाइन में लगकर मतदाता मौजूद है उनसे भी मुखातिब होते हुए गृह मंत्री अमित शाह और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए उनके भी मतदान का समय नजदीक आ रहा है। उनकी पत्नी सोनल शाह, बेटे जय शाह और बेटे की पत्नी रिश्ता सभी साथ में मौजूद हैं और पूरे परिवार के साथ। हमेशा ही हमने देखा है जब भी गृहमंत्री आते हैं पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए सभी के चेहरे खिले हुए हैं। 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और गांधीनगर से 70% वोट शेयर अमित शाह को मिला था। इस बार इस मार्जिन को बीजेपी और ज्यादा बढ़ाना चाहती है, क्या ऐसा संभव होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस गांधीनगर की सीट से अमित शाह चुनावी मैदान में है, 6 बार वहां से लालकृष्ण आडवाणी ने जीत दर्ज की। 1989 में पहली बार शंकर सिंह बाघेला वहां से जीते थे और 1998 से लेकर 2014 तक लगातार एलके आडवाणी गांधीनगर की सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। 2019 में उसके प्रतिनिधित्व का अवसर उस सीट के मिला अमित शाह को और तब से लेकर आज तक वहां से बने हुए हैं 70% का वोट शेयर। अब कांग्रेस के उम्मीदवार कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए पेश करेंगे यह बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन पूरे परिवार के साथ यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। मुझे लगता है शशि शेखर जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। हर चुनाव और खासकर जो बड़े नेता होते हैं उनका हर मूवमेंट एक मैसेज देने के भी काम आता है। बिल्कुल, अब ये एक राजनीतिक मैसेज गृह मंत्री की ओर से भी है कि देखिए मैं सपरिवार वोट डालने गया हूँ, आप भी अपने कुटुंब के साथ आइए, वोट डालिए और वोट डालने के पर्व में जरूर भागीदारी अदा कीजिए। एक बात तय है कि 2014 और 2019 के मुकाबले जिस तरह से वोट प्रतिशत गिरा है पिछले 2 चरणों में, उससे चिंता सभी को हो रही है। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, हर आदमी चिंतित है कि आखिर ये किधर जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ है, लेकिन 1971 में तो इंदिरा जी बहुत ज़बरदस्त बहुमत के साथ जीती थी, वोट परसेंटेज में गिरावट के साथ। तो लोकतंत्र जो है वो किसी एक चीज़ की बुनियादी नहीं करता और उसका एक समीकरण नहीं बनता। अमित शाह इस समय यही मैसेज दे रहे हैं कि आइए सबके साथ वोट कीजिए। उनके बेटे जय शाह ने मतदान में हिस्सा ले लिया है और अब उनकी पत्नी आगे की ओर जा रही है। सोनल शाह अब मतदान करेंगी
और फिर थोड़ी देर बीप की आवाज होती है, उसको उसके लिए आपको 10 सेकंड रुकना पड़ता है, फिर आप वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। शशि शेखर जी ने, आशुतोष जी, उन्होंने कहा है कि हर एक बड़े नेता का इस तरह का जो जश्न होता है वो बड़ा संदेश देता है, क्या गृहमंत्री वही संदेश दे रहे हैं? देखिए, इन तस्वीरों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, अगर देश के प्रधानमंत्री भी जाए वो अपना वोट देने के लिए, तो जो अधिकारी वो बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो डिसरेस्पेक्टफुल है, बट ये उस पोस्ट की या उसकी जो मर्यादा है वो कहीं ना कहीं उसका ध्यान रखा जाता है। और ये मैं यही चीज अभी देख रहा था कि तमिलनाडु के अलावा, जी तमिलनाडु में जब वोट डालने के लिए मुख्यमंत्री गए तो सारे लोग उठकर खड़े हुए और नमस्कार किया, ये मैंने बड़े अचरज से देखा था यहीं पर। तो वही अपनी बात कंटिन्यू रखे, मुझे माफ कीजिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं वही देख रहा था कि क्या जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वो खड़े होती हैं, महिलाएं नहीं खड़ी, सब बैठी हुई, और मुझे लगता है कि यही एक मर्यादा है कि आप जब वोट देने जा रहे हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश के एक वोटर की तरीके से वोट देने जा रहे हैं, और जो मर्यादा अधिकारियों को रखनी चाहिए वो मर्यादा वो रख। मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर भी जरा आप बोल दीजिए, उधर विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं गृह मंत्री, तो अमित शाह का निशान उनकी पत्नी दिखा रही है, अब इन तस्वीरों पर तो नहीं, विक्ट्री साइन तो गांधीनगर से चुनावी मैदान में है, मुझे नहीं मालूम कुछ टिप्पणी करेंगे आशुतोष जी। नहीं, इसमें टिप्पणी करने का कोई प्रश्न इसलिए नहीं क्योंकि अमित शाह जी अपना वोट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है, देने के बाद मैं भी जब बाहर निकलता हूं तो मैं भी अपनी फोटो खिंचा के मैं डालता हूं, भाई आप लोग, मैंने वोट डाला और आप भी वोट डालने का काम करिए, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत तब है जब आप वहां से निकले और उसके बाद आप पूरा पदयात्रा करते हुए घूमे, सारा कैमरा आपके ऊपर हो, वहां पे वो ऑब्जेक्शनेबल है। और मैं इसको गंभीरता के साथ इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि देखिए, मैंने इलेक्शन कमीशन को कवर किया और बहुत उस वक्त कवर किया है जब इस देश के अंदर सिर्फ इलेक्शन का मतलब मेहम हुआ करता था और बूथ लूटे जाते थे, बैलेट पेपर्स लूटे जाते थे, और तब एक मर्यादा का निर्माण टीएन सेशन ने किया था और जिसकी वजह से आज हमारा चुनाव इतना साफ सुथरा होता है। अगर वो कहीं से भी खंडित होता है, कहीं से भी टूटता है, तो फिर पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो अपने आप में एक सवाल। ठीक है, इस पर जवाब देंगे संगीत जी, आपके पास भी मैं फौरन आ रही हूँ संजय जी, लेकिन उसके पहले हिमांशु मिश्रा सीधे आपका रुख करते हुए, गृह मंत्री ने परिवार के साथ कर लिया है मतदान, अब आगे का क्या है कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल, यहाँ से मतदान करने के बाद जो है, मैंने पहले भी बताया चित्रा कि गृह मंत्री मतदान करने के बाद जो है वो कामेश्वर महादेव के मंदिर में जो है वो दर्शन करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और उसके बाद जो है यहाँ से लगभग 100 मीटर के दूरी पर जो है वो मीडिया के साथ मुखातिब होंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन इतना जरूर माना जा सकता है कि जिस तरीके से चुनाव में मत प्रतिशत कम हुआ है, ये ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि हर राजनीतिक दल के लिए जो है वो चिंता का विषय है कि ये जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है ये किस ओर इशारा करता है, इसको अभी तक कोई समझे नहीं है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है, लेकिन इस इंटरप्रिटेशन का पटाक्षेप जो है वो 4 जून को हो जाएगा जब नतीजे आएंगे, किसके पक्ष में मतदान हुआ है और किसके पक्ष में लोग मतदान करने नहीं गए, ये सब 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि तीसरी बार यहाँ से जो है वो 26 में से 26 लोकसभा सीटें जो है वो जीती जाएं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बने, ऐसी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। 1989 से जो है भारतीय जनता पार्टी ने गांधीनगर की सीट नहीं हारी है, लाल कृष्ण आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी, उनके पीछे के जमीन पर चुनावी रणनीति को अंजाम देने का काम जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ही किया करते थे, चाहे वो विधायक रहे हों या पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने गांधीनगर की सीट को हमेशा संभालने का काम किया है। लाल कृष्ण आडवाणी जब तक यहां से प्रतिनिधित्व करते रहे और 2019 में खुद उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा है और 24 में वो एक बार फिर से यहां से ताल ठोक रहे हैं। 2024 में ये जो 70% का वोट शेयर उसको बढ़ाने के बाद बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्या उसमें मिलेगी कामयाबी? संजय जी, आपके पास आते हुए ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे, देखिए अमित शाह, उन्होंने 22 साल की उम्र में बीजेपी ज्वाइन की, 35 साल की उम्र में 2002 में वो मंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में गुजरात में, तब से लेकर आज तक 1988 से लेकर आज तक छोटे बड़े तकरीबन 29 चुनाव उन्होंने लड़े हैं लेकिन एक भी चुनाव नहीं हारे हैं, क्या है अमित शाह के भीतर जिसकी वजह से चुनावी राजनीति में जितने भी चुनाव हैं उनको लगातार कामयाबी मिलती गई? निश्चित रूप से डेडिकेशन, जुझारूपन और कहीं ना कहीं जनता के साथ संवाद बनाने में सफलता। आपने 29 चुनावों का जिक्र किया और कहा, यह भी बताया कि 29 चुनाव में छोटे बड़े तमाम तरह के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, कम उम्र में मंत्री बनना, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि उनका उनका
उनकी दिलचस्पी कितनी है राजनीति में, कितनी मेहनत करते हैं और जनता से संपर्क साधने में कितने वो सफल दिखाई पड़ते हैं। संगीत रागी जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, यही खासियत है उनके भीतर? देखिए, मैं इससे एक इतर बात करना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छे संगठन करता है। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक संगठन करता हुए कुशाभाऊ ठाकरे का नाम बड़ी बहुत श्रद्धा से लिया जाता है, यदि भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें। लेकिन चुनावी राजनीति को जिस प्रकार से अमित शाह जी ने खड़ा किया है और जिस प्रकार से उन्होंने एक जीत के मशीन के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, वो बहुत काबिले तारीफ है। वो आप एक पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ प्रमुख, ये सब सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यही लेकर के आए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, गुजरात में ये प्रयोग किया गया, वहाँ वो पर बहुत सक्सेसफुल रहा। आज के दिन में ये प्रयोग जो है वो सारे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस समय आपका इलेक्शन कमीशन भी डेटा लेकर के आपको नहीं बता पाता है कि कितना हमारे यहाँ वोटिंग हुआ है, उस समय पन्ना प्रमुख रात के 3 बजे तक करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में ये चीज़ें आ जाती है कि फेंस सीटर कितने वोट किए, हमारे अपने जो प्रो के जो थे, जो हमारे पक्ष में ही मतदान हमेशा करते रहे, वो कितने एक पेज पर थे, तो उसमें से कितना टर्नअप हुआ है, कितना गए हैं, कितने लोगों को हम लोग बाहर निकाले। एक बात मैं आशुतोष के बारे में बस मंत्रोच्चार वहां पर हो रहा है, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वोटर के साथ साथ उम्मीदवार भी हैं। आशुतोष जी के पास आएगा मंत्रोच्चार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की, पूजा पाठ किया, उसके बाद आरती करने के बाद पूजा संपन्न हुआ। चूंकि वो उम्मीदवार भी हैं गांधीनगर से, तो ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए इसके बाद जनता जनार्दन की बारी है। उनका आशीर्वाद कितना मिलता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित शाह ने किया, प्रधानमंत्री ने किया मतदान, उसके बाद गृहमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे मतदान करने के लिए। मतदान के साथ ही वो तस्वीरें भी सामने आई जब पूजा पाठ करके ईश्वर का आशीर्वाद लेकर लोगों के बीच जाकर, हालांकि आज चुनावों का वक्त है, सीधे जनता जनार्दन को अपना मैंडेट ही देना है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश भी उनकी ओर से की जा रही है।